हम ये देख रहे थे कि सोफिस्ट जो हैं उन्होंने एक नया मोड़ दे दिया, और जो ये दावा करते हैं ग्रीक वाले कि जितनी भी दुनिया में थिंकिंग है उसकी सी बीज हमारे यूनान में ही मिलेंगे, तो उन्होंने ये बात भी दिखा दी कि मानव के बारे में सोचने की बात जो है, जो आज 21वीं सदी नहीं 20वीं सदी के अंतिम हिस्से में ह्यूमनिज्म का की फिलॉसफी उदय हुई है बड़े दौड़ के साथ, उस ह्यूमनिज्म के बीज भी यहाँ इन्होंने सोफिस्ट ने बोए हैं। इन्होंने जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि वैसे तो ये लोग जो थे ये प्रोफेशनल टीचर्स थे, एजुकेशनिस्ट थे, प्रोफेशनल पैसा लेकर के पढ़ाने वाले, और विषय भी जो पढ़ाते थे ये वो विषय पढ़ाते थे जो दुनिया में काम आने वाले विषय हैं। सांसारिक नौकरी मिल जाए, सांसारिक काम चल जाए, तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे ये, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, लॉ पढ़ाते थे, और सबसे ज़्यादा जोर ये देते थे कि हम ओरेटरी पर, क्योंकि जज जो अपॉइंट होते थे वहाँ, कोई पहले लॉ तो ऐसा लॉ तो था नहीं कि कोडिफाइड लॉ हो, तो जज अपने आर्गूमेंट से जिधर फैसला चाहना चाहे, अगर वो आर्गूमेंट की पावर उसमें ओरेटरी की पावर तकड़ी है तो चाहे जिधर फैसला कर दे, तो ओरेटरी की आर्ट भी सिखाते थे कि आर्गूमेंट कैसे करने, और उसमें और जब ओरेटरी सिखाते थे तो शब्दावली बहुत ज़्यादा चाहिए, तो ये शब्दावली का भी वोकैबुलरी इतनी बढ़ा देते थे, भाषा का ज्ञान भी बहुत देते थे। लेकिन इन्होंने जो बड़ा, तो लोग इनके कहते थे ये तो पैसा लेके पढ़ाने वाले लोग हैं, इनको तो क्या है पैसा देते हैं मास्टर का, हम क्यों रिगार्ड करें मास्टर का, फीस देते हैं मास्टर को, मास्टर फीस के बदले में पढ़ाता है, और जो बिना फीस बिना पैसे के पढ़ा रहे हैं हम तो उनका रिगार्ड करेंगे। तो इसलिए इनका इतना रिगार्ड नहीं था जितना एकेडमी वालों का रिगार्ड था, सोक्रेटिस और उसके चेलों का। लेकिन इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो ये है कि जो जड़ चीज़ों को खोजने में लगे हुए थे वहाँ, कि ये संसार का क्या चीज़ है, संसार जिससे बना हुआ है, इस चीज़ को खोजने में सारी उनकी शक्ति लगी हुई थी, नेचर के रहस्य को खोजने में। उस नेचर के रहस्य में इन्होंने कहा कि सबसे बड़ा रहस्य मैन है, मैन को खोजो आप, मैन क्या है, तो मैन को इंट्रोड्यूस करने वाले फिलॉसफी में ये सोफिस्ट थे। इनका जो फाउंडर था उसके बारे में हम बात कर रहे थे शुरू, कि सोफिस्ट का जो फाउंडर था वो था प्रोटागोरस, बहुत विद्वान आदमी था। उसके अंदर भी एक ख़ास चीज़ क्या थी कि राजनीति के बारे में बड़ा निपुण था वो, बहुत ज़्यादा बहुत हिस्सा लेता था और बहुत ऊंचे विचारों का आदमी था, बड़ा ग्रेट स्कॉलर था वो। तो प्रोटागोरस जो था उसने एक बात जो कही वो बहुत ऐसी बन गई जिससे सारा ह्यूमनिज्म उसी से निकल गया आज। प्रोटागोरस ने कहा कि आदमी जो है उसका इतना महत्व है कि संसार की मैन इज द मेजर ऑफ ऑल द थिंग्स इन दिस यूनिवर्स। ये बड़ा फेमस वाक है इनका, आदमी को आप स्टैंडर्ड मानो संसार की चीज़ों की वैल्यू, आपके लिए कौन सी चीज़ कितनी वैल्यूएबल है, तो देखो कि इंसान को कितना फ़ायदा कर रही है, तो मैन शुड बी दी मेजर, मैन इज़ दी मेजर ऑफ ऑल द थिंग्स इन दिस यूनिवर्स। आपको अगर गाजर ज़्यादा अच्छी आदमी को दिखाओ कि गाजर बहुत फ़ायदेमंद है, तो मेरे ख्याल से गाजर का मूड ले जो सोने से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो आदमी के लिए कौन सी चीज़ कितनी फ़ायदेमंद है, कितनी आदमी की सुरक्षा के लिए, आदमी को संसार में कायम रखने के लिए, आदमी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जो भी चीज़ इतनी फ़ायदेमंद है उसको इन्होंने कहा कि आदमी ही केंद्र बनाओ, और आदमी को केंद्र बना करके हर चीज़ का मूल्यांकन करो। जब आदमी को केंद्र बना लोगे तो संसार की सारी चीज़ें उनका केंद्र है, उसमें सबसे महत्व। बाद में इन्होंने बाद में क्या किया, बाइबल में भी वही चीज़ लिखी जो सोफिस्ट का प्रोटागोरस कह रहा था, मैन इज द क्राउन ऑफ क्रिएशन। आदमी ने भगवान को पैदा करके, जितने भी आदमी थे, जानवर थे, कीड़े थे, मकोड़े थे, और उन सबको पैदा करके कहा कि यू आर द क्राउन ऑफ माई क्रिएशन, मैंने जितने भी लोग पैदा किए हैं तो उनके क्राउन हो। ये बात कहाँ से आई, ये बात सोफिस्ट के प्रोटागोरस के इस वाक्य से निकली कि आदमी ही सारी चीज़ों का
अब इसको हम कहेंगे प्रैग्मेटिज्म भी कह देंगे इसको, जिस चीज़ की कीमत बढ़ती रहती है घटती रहती है तो हम कहेंगे बिहेवियर में जिस चीज़ को आदमी के ज़्यादा महत्व मिलता है वही आदमी दुनिया वही चीज़ दुनिया में की वो है, और किसी चीज़ की मेजर करने की कीमत कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तो इन्होंने प्रोटोगोरस ने मैन को ला कर सेंटर में खड़ा कर दिया। अब जब मैन सेंटर में आ गया तो इन्होंने कहा कि नॉलेज भी मैन जो देखेगा वही ठीक है। तो इन्होंने कहा कि नॉलेज का एक ही सोर्स है वो है प्रत्यक्ष। आदमी का जो सेंस है आदमी के, वो जैसा आदमी को अनुभव करा रहे हैं वो सत्य है। हमारे यहाँ इसको कहा जाता है हाथ कंगन को आरसी क्या है। जब मुझे दिख रहा है कि पीपल के पत्ते हरे होते हैं तो इसमें कौन आदमी डाउट करेगा मेरी बात को। तो आदमी जब हर चीज़ का मेजर है तो नॉलेज का मेजर भी आदमी है, और इसलिए जब नॉलेज का मेजर आदमी है तो इन्होंने कहा कि जो आदमी को सारा अनुभव हो रहा है वही सत्य है। सारी दुनिया के सत्य का निचोड़ इधर उधर खोजने की ज़रूरत नहीं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो ये भी इन्होंने जो आज के ज़माने में सारा आया लॉक वगैरह बर्कले वगैरह ह्यूम वगैरह जो आज पैदा नया एम्पिरिसिज्म जिनको कहते हैं, उस एम्पिरिसिज्म के सीड भी प्रोटोगोरस के फिलॉसफी में मिल गए। जब मैन को आपने बना दिया फिर उन्होंने कहा जब मैन इज द मेजर तो मैन मैन में भेद थोड़ी हो सकता है। एक आदमी को तुम आदमी कहोगे और एक को कहोगे तू गधा है, तो इसे कहते हैं ना मैन है वो कोई किसी स्टेट में हो सकता है किसी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो आदमी जो चीज़ देखता है अनुभव करता है उसकी उसकी ओपिनियन को आप रेस्पेक्ट करो। अब इसमें भी हम ये देखेंगे कि ग्रीक फिलॉसफी में बीज हैं इस चीज़ के, जो आज हमारे को आज़ादी मिल रही है एक्सप्रेशन की आज़ादी, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने की जो आज़ादी आज मिल रही है इसके बीज कहाँ है। उन्होंने कहा हर आदमी की ओपिनियन, एवरी मैन हैज़ द राइट टू हैव हिज ओन ओपिनियन अबाउट द थिंग्स। और उसको भी कहोगे कि मेजर तो ये मैन इज मेजर, आप ये कैसे कहोगे कि मैन नहीं है। तो भाषा की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, हर एक की ओपिनियन का आप रेस्पेक्ट करो। और इसके बारे में भी हम कह सकते हैं कि सारे चर्च ने गैलीलियो को मार दिया। गैलीलियो जो कुछ कह रहा है जो ओपिनियन दे रहा है ये सैटर्न बोल रहा है इसके थ्रू से, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिसे जिसने लेकर के इसने सितारों को देखा है ये भी सैटर्न का इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इसको चर्च ने कहा ये इस धर्म का दुश्मन है। लेकिन थोड़े दिनों बाद क्या हुआ कि दुनिया में गैलीलियो इतना सिद्ध हो गया कि सारी साइंस गैलीलियो पर खड़ी है, इतनी एडवांस हो गई। तो एक ओपिनियन चाहे कितनी ख़राब हो शुरू में लेकिन उस ओपिनियन का रिगार्ड तो करो, कल वही ओपिनियन दुनिया की ओपिनियन बन सकती है। तो इन्होंने फ्रीडम ऑफ ओपिनियन भी दे दिया, प्रोटोगोरस ने आदमी को फ्रीडम ऑफ ओपिनियन भी दिया, और फ्रीडम ओपिनियन में इन्होंने डेमोक्रेसी के बीज डाल दिए, आरोप कर दिए। डेमोक्रेसी का लॉ क्या है वो है तो उसमें रोमन भाषा में, क्योंकि रोमन वालों ने लॉ दिए थे, लेकिन लॉ क्या है वो जो इन्होंने दिए थे रोमन भाषा में है, जो सारे जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा जाता है, ओडे आल्टरम वेडम। अब वेडम को तो बहुत सारे लोग संस्कृत का शब्द मानते हैं वादम, ओडे सुनो, आल्टरम अल्टरनेट, तुम जो कह रहे हो जो कुछ भी चीज़ उसका अल्टरनेट भी सुनो, और फिर ओडे आल्टरम वेडम फिर बोलो दोनों का चुन करके। तो सारा लॉ इसी पर खड़ा है, किसी आदमी को भी कोर्ट जो है पनिशमेंट नहीं दे सकती जब तक के सफाई के बयान ना हो, उसको मौका देगी अपनी बात कहने का, ये नहीं कि पुलिस ने किसी पे इस्तगासा लगा दिया और उसको गोली मार दी हमने। कोर्ट कहेगी ऑडे ऑल्टरम सुनो, ऑल्टरम दूसरे ये क्या कहता है, उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि इस आदमी ने फला जगह मर्डर किया, अब उसको तुम सुनोगे, उसने कहा कि जिस जगह ये दिखा रहे हैं उस जगह से तो मैं 2200 किलोमीटर दूर था, वहाँ प्रूफ दे रहा हूँ मैं। तो अब उसकी बात सुन ली जज ने, अब पुलिस को कहा
अब तुम अपनी बात जस्टिफाई करो कैसे वहाँ मौजूद थे। जब तक उसकी बात, इसलिए लॉ में क्या कहा गया कि कोई भी बेगुनाह आदमी नहीं मारा जाना चाहिए, पनिश नहीं होना चाहिए, चाहे कोई गुनहगार प्रूफ ना मिलने के कारण से छूट जाए। क्योंकि जिस आदमी को हमने एक बार सज़ा दे दी, चाहे मौत की दे दी चाहे जेल की दे दी, अगर कल वो सिद्ध हो जाए कि इसको गलत, तो हम उसको किसी तरह से कंपेंसेट नहीं कर सकते। इसको कहते हैं कि सारे के सारे आदमी जितने उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट शुड गो टू द एक्यूज, जिसको आपने एक्यूज़ किया है, जिसको आपने जिस पर आरोप लगाए हैं, अगर वो प्रूफ नहीं होता, आरोप लगाने वाले उसको प्रूफ नहीं कर पाते किसी तरह से, तो बेनिफिट ऑफ डाउट किसको दिया जाएगा? उसको दिया जाएगा जो जिस पर आपने आरोप लगाया कि इन्होंने आरोप लगाया लेकिन डाउटफुल है इसलिए तुम्हें छोड़ा जाता है। तो इन्होंने जो बात कही कि हर एक की ओपिनियन का सम्मान करो, हर आदमी को अपनी बात कहने की, ये आज के सारे जो इसके सीड हैं, ग्रीक फिलोसफी में जिनको सीड माना जाता है, जो इसके सीड हैं सारे के सारे, वो प्रोटोगोरस के वाक्यों में मिल जाते हैं। सबसे बड़ा वाक्य जो है उसको आज सब दुनिया कोट करती है, वो वही है जो प्रोटोगोरस ने कहा था, मैन इज़ द मेजर ऑफ एवरीथिंग। किताब महत्वपूर्ण है या नहीं है, किताब की कितनी कीमत होगी? तो उन्होंने कहा जी ये किताब में आदमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़ी इसकी इम्पोर्टेंस है। तो आपने कहा इसकी कीमत 700 रुपये रखो, और आपने गुलशन नंदा के नावल लिए, उन्होंने कहा जी किताब ऐसी है किसी आदमी का मूड होगा पढ़ लेगा, नहीं पढ़ेगा कोई बात नहीं है, तो बड़ा चीप सा नावल है। तो उन्होंने कहा इसकी किताब, इसकी कीमत रखो 250 रुपया, ढाई रुपये में मिल जाएगी, वो 800 रुपये में मिलेगी। तो आदमी को केंद्र बना करके मैन की वैल्यू बढ़ा दी इन्होंने, आदमी को कह दिया कि आदमी ही डिटर्मिनेंट है किस हर चीज़ की वैल्यू का। मैन को इसलिए सम्मान से दुनिया, मैन सम्मान के योग्य है। तो प्रोटोगोरस ने ह्यूमनिज्म के बीज बो दिए, हालांकि थे तो प्रोटोगोरस भी पैसा लेके पढ़ाने वाले, लेकिन उन्होंने जो फिलॉसफी दी, और इसलिए उन्होंने शिक्षा में नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी, ये भी आज हमारे नई शिक्षा में आ रही है। ये इन्होंने जो सोफिस्ट थे, उन्होंने चूँकि प्रोफेशनल एजुकेशनिस्ट थे, तो इन्होंने नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी कि हर एक चाइल्ड जो है तुम्हारे पास जो आता है वो मैन है, और वो मैन जो है अच्छा नागरिक भी बन सकता है, ख़राब नागरिक भी बन सकता है। आप उस बच्चे को ये सोच करके बैठो कि ये कल बहुत बड़ा नागरिक बन गया तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, ईरान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए। इसलिए डोंट हेट एनी चाइल्ड, हर चाइल्ड को ये सोचो कि ये एक पोटेंशियल क्या है, किंग, पोटेंशियल किंग, मोनार्क बन सकता है। तो इन्होंने टीचिंग एजुकेशन में कहा स्टूडेंट ओरिएंटेड, हर स्टूडेंट का आपको ये सोच करके चलो कि ये बच्चा कल पता नहीं क्या बन जाए, इसलिए रेस्पेक्ट करो इसकी पर्सनैलिटी। आप डंडे मार के मुर्गा बना करके, यहाँ ऐसे ही हुआ कि जब इन्होंने हरियाणा सरकार ने नियम बनाया कि जो टीचर किसी बच्चे को मुर्गा बनाएगा उस पर इतना फाइन किया जाएगा, तो बहुत सारे लोग मेरे पास आए, कहने लगे जो एजुकेशन मिनिस्टर वो आपका चेला है पुराना, अब हम बच्चों को अगर दंड नहीं देंगे, मुर्गा नहीं बनाएंगे, तो बच्चे अनुशासनहीन हो जाएंगे। इनमें से अनुशासन, तो ये तो गलत इन्होंने का नियम पास करा दिया। मैंने कहा भाई ऐसा है कि अंग्रेज़ी ज़माने में ये कहा जाता था कि किसी भी हिंदुस्तानी को ये महसूस मत होने दो कि मैं इंसान हूँ, ठोकर मारते थे उनको। और मैंने कहा हर जगह लिखा हुआ है इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, जिन होटलों में अंग्रेज, तो इसलिए मास्टरों को कहते थे कि बच्चों को गधा बनाओ, बच्चों को मुर्गा बनाओ, बच्चों को ये फीलिंग डालो कि तुम एनिमल हो। लेकिन मैंने कहा अब जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है और डेमोक्रेसी आई है, तो उसमें आया कि हर बच्चा डेमोक्रेसी में पता नहीं प्राइम मिनिस्टर बन जाए, पता नहीं कहीं गवर्नर बन जाए, इसलिए हर बच्चे की पर्सनैलिटी की रिस्पेक्ट करो। पहले होता था स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, अब ये होता है कि अगर आप रॉड को स्पेयर नहीं करोगे तो बच्चे की पर्सनैलिटी बिल्कुल क्रश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ग्रीक फिलोसफी में मानवता के बीज डालने वाले, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन के बीज डालने वाले, रेस्पेक्ट फॉर द जो ह्यूमन बीइंग से बच्चे हैं उनकी रेस्पेक्ट, टीचर छात्र की रेस्पेक्ट सिखाने वाले, ये सबसे पहले आदमी हमारे प्रोटोगोरस थे।
क्योंकि प्रोटोग्रस का ये नियम हर जगह लागू होता है, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, ये जो है सिद्धांत सारा। तो अब प्रोटोग्रस जैसे इन्होंने सारा कर दिया, लेकिन ये जो ग्रीक एकेडमिशियंस थे, फिलोसफर थे, इन्होंने कहा कि इन्होंने तो प्रोटोग्रस ने तो नाश मार दिया। जब हम ये कहोगे कि मैन इज द मेजर ऑफ एवरीथिंग, तो एक आदमी कहेगा कि मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि ये कौवा बैठा है, तो दूसरा कहेगा मेरी ओपिनियन में ये बुलबुल बैठी है। तो कहते हैं अगर तुम उसको मारोगे तब भी आप ह्यूमन बीइंग को मार रहे हो, और इसको मारोगे तो कैसे डिसाइड क्या करोगे कि ट्रुथ क्या है। तो इन्होंने फिलोसफर से कहा कि ये जो हैं ये पर्सनल सारी चीज़ें उन्होंने सब्जेक्टिव बना दी पर्सनल, और पर्सनल सब्जेक्टिव बनाने से आप ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को तो जान ही नहीं सकते, वास्तविक रियलिटी क्या है इसको जान ही नहीं सकते, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी ओपिनियन होगी। तो किसकी ओपिनियन को सत्य मानोगे, किसकी को झूठ मानोगे, क्योंकि हर आदमी जो है मेजर ऑफ, वो तो हर आदमी अब मैन इज द मेजर ऑफ एवरीथिंग, वो कहेगा ये भी मैन है ये भी मैन है। तो फिलोसफर्स ने कहा, इसलिए सोफिस्टों ने इस चीज़ का नाश मार दिया, रियलिटी क्या है, रियलिटी कुछ है ही नहीं। फिर तो उन्होंने कहा इसी तरह से उन्होंने नैतिकता में भी यही कर दिया। जब मेरी ओपिनियन भी, तो मुझे लगा कि नैतिकता में ये अच्छा है कि मैं मुंह पे आपके थप्पड़ मारूं, आपकी अकल दुरुस्त कर दूं। तो आपने कहा मुझे ये अच्छा लगता है कि तेरे जूता मार के तेरी अकल दुरुस्त कर दूं। तो एथिक्स में भी ये हो गया, क्या है गुड, शुभ क्या है, नैतिक चीज़ क्या है। उन्होंने कहा हर एक की ओपिनियन अलग होगी इसके बारे में। एक आदमी को शरबत पीना अच्छा लगता है, वो कहेगा यही नैतिक है, शरबत पियो तो इससे नैतिकता बढ़ेगी। एक कहेगा शरबत से नैतिकता नहीं बढ़ती, नैतिकता तो भगवान की पूजा से बढ़ती है, तो इसकी बात मानोगे इसकी बात मानोगे। तो इन्होंने कहा सोक्रेटिस वगैरह ने कि इन्होंने नैतिकता को भी पर्सनल बना दिया, मुझे जो अच्छा लगता है वो मेरे लिए नैतिक है, तुम्हें जो अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा कि सोफिस्ट ने फिलोसफी का भी नाश मार दिया, सोफिस्ट ने ऑब्जेक्टिव रियलिटी को भी मान दिया, और सोफिस्ट ने ये भी क्योस पैदा कर दिया ओपिनियन का, कि ओपिनियन को इन्होंने कह दिया हर आदमी के ओपिनियन का ऑनर करो। तो सोफिस्ट का बड़ा कंडेमेशन हुआ, पहले भी कंडेमेशन हो रहा था कि पैसा लेके पढ़ाते हैं। आजकल जो लड़का है मॉडर्न लड़का, जिनको हम लेफ्टिस्ट कह सकते हैं, वो कहता है हम गुरु का सम्मान क्यों करें जी, हम तो 88,000 फीस देते हैं साल भर की, गुरु को ये सोच रहे कि मैं फीस नहीं दूंगा मेरी तनख्वाह कहाँ से मिलेगी। तो गुरु को हमारा सम्मान करने, हमारी रोटियां खा रहा है गुरु, हम क्यों उसके से। तो इसलिए इन लोगों के खिलाफ भी फिलोसफर्स ने ये उठाया कि ये तो पेशेवर लोग हैं, पैसा लेके पढ़ाते हैं, और जैसा तुम पैसा दोगे वैसा पढ़ाएंगे। ये तो तुमने कहा कि मैं तुझे 50 रुपये दूंगा तो आपको एक घंटा ज़्यादा पढ़ाएंगे और बढ़िया, और तुमने कहा मैं 20 रुपये दूंगा तो गाइड में से ही पढ़ा के भेज देंगे। तो इनकी बड़ी निंदा होने लगी।